वेलकम बैक टू स्टॉक मार्केट हिल एमपीएस इंफोटेक, जिसे हम विशेष इन्फो के नाम से जानते हैं। इसके Q4 के रिजल्ट आ चुके हैं, तो चलिए चेक करते हैं जो रिजल्ट है वो प्रॉफिट में आए या फिर लॉस में, उसका शेयर प्राइस पे इंपैक्ट क्या देखने मिलेगा, इस पे भी हम बात करने वाले हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करिए। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो इसका सर्किट फिल्टर 5% का है, प्लस ये सर्वेलेंस स्टॉक चल रहा है। तो चलिए चेक करते हैं कंपनी का कंसोलिडेटेड रिजल्ट। तो यहाँ पे जो भी आपको आंकड़े देखने को मिलेंगे वो सब लाख में होंगे। तो देखते हैं कि इस क्वार्टर में कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। 17 लाख का इस क्वार्टर में रेवेन्यू जनरेट हुआ है। पिछले क्वार्टर में 10 लाख का हुआ था और एक साल पहले 14 लाख का रेवेन्यू जनरेट हुआ था। यानी कि रेवेन्यू हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है क्वार्टर क्वार्टर पे भी, ईयर ऑन ईयर पे भी। लेकिन अगर आप यहाँ टोटल रेवेन्यू देखेंगे, टोटल रेवेन्यू यहाँ हमें कम देखने को मिल रहा है पिछले क्वार्टर की तुलना में, लेकिन पिछले साल की तुलना में ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसका रीजन क्या है कि पिछले क्वार्टर की तुलना में हमें रेवेन्यू कम देखने मिल रहा है। जैसा कि देख सकते हैं, अदर इनकम इस क्वार्टर में आई है 81,000 की, पिछले क्वार्टर में 83 लाख की आई थी। इसी वजह से हमें यहाँ पे टोटल रेवेन्यू में थोड़ा सा फर्क देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे चलते हैं एक्सपेंस देखते हैं कि कंपनी ने कितना एक्सपेंस खर्च किया है। बात करें टोटल एक्सपेंस की, तो इस क्वार्टर में 1,51,00,000 का एक्सपेंस खर्च किया, पिछले क्वार्टर में 1,48,00,000 का किया था और एक साल पहले 1,49,00,000 का किया था। यानी कंपनी का एक्सपेंस भी यहाँ ज्यादा खर्च होते हुए देखने को मिल रहा है क्वार्टर क्वार्टर पे भी, ईयर ऑन ईयर पे भी। अब बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो इस क्वार्टर में प्रॉफिट देने के पहले 1,33,00,000 का लॉस देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो 54 लाख का लॉस है और एक साल पहले अगर आप देखेंगे तो 1,35,00,000 का लॉस है। यानी कि हमें जो परफॉर्मेंस है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे खराब होते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन साल दर साल की तुलना में आप यहाँ पे अभी भी कह सकते हैं जो परफॉर्मेंस है वो कंपनी का ठीक ठाक है। बहुत ज्यादा यहाँ पे अच्छा नहीं कह सकते, ना ही ज्यादा खराब कह सकते हैं। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो इस क्वार्टर में 0.003 अर्निंग पर शेयर देखने को मिल रहा है, वो भी माइनस में। पिछले क्वार्टर में 0.001 था ये, लेकिन ये भी माइनस में था। और पिछले साल की बात करें तो 0.003 था माइनस में। यानी क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे जो अर्निंग पर शेयर है वो हमें यहाँ पे कम होते हुए देखने को मिल रहा है और साल दर साल की तुलना में यहाँ पे अर्निंग पर शेयर ठीक देखने को मिल रहा है। हमने कंपनी के Q4 के रिजल्ट चेक किए हैं, तो फिर यहाँ पे जो भी कंसोलिडेटेड रिजल्ट का यहाँ पे आउटकम देखने को मिल रहा है, Q4 के नतीजे यहाँ पे निराशाजनक देखने को मिल रहा है, लेकिन साल दर साल की तुलना में जो परफॉर्मेंस है वो कंपनी की ओके आप कह सकते हैं, ठीक ठाक कह सकते हैं। तो चलिए चेक करते हैं आगे स्टैंड लोन रिजल्ट कंपनी का। अब हम चेक करते हैं स्टैंड लोन रिजल्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है क्वार्टर क्वार्टर पे भी, ईयर ऑन ईयर पे भी। बात करें रेवेन्यू की, तो पिछले क्वार्टर की तुलना में रेवेन्यू यहाँ पे कम देखने को मिला है। उसका रीजन मैं आपको कंसोलिडेटेड में बता चुका हूँ कि जो इनकम है इस क्वार्टर में इनकम कंपनी की कम आई है पिछले क्वार्टर की तुलना में, इसलिए हमें रेवेन्यू इस क्वार्टर में कम होते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन साल दर साल की तुलना में रेवेन्यू अभी भी हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है। बात करें अगर हम प्रॉफिट या लॉस फॉर दिस पीरियड, तो इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर की तुलना में ज्यादा लॉस देखने को मिल रहा है और पिछले साल की तुलना में यहाँ पे थोड़ा सा कम लॉस देखने को मिल रहा है। तो ऑल ओवर जो स्टैंड लोन है प्लस कंसोलिडेटेड है, दोनों में यहाँ पे नतीजे अच्छे देखने को नहीं मिल रहा है क्वार्टर क्वार्टर पे, लेकिन साल दर साल की तुलना में यहाँ पे आप थोड़ा कह सकते हैं कि हाँ परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं और आगे समझते हैं कि स्टॉक हमें आगे क्या लेवल दिखा सकता है। आ चुके हैं स्टॉक के चार्ट पे। जैसा कि देख सकते हैं ये स्टॉक चल रहा है 85 पैसे के आसपास और इसका जो RSI इंडेक्स है वो है 46.04। अगर इसका RSI इंडेक्स हमें बढ़ते हुए देखने मिला तो ये शेयर प्राइस भी ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको समझना होगा कि स्टॉक ऑलरेडी यहाँ पर ऑपरेट एक टाइम हो चुका है, तो दोबारा जब ऑपरेटर आएंगे तभी ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। ऐसे चांसेस हैं कि ऑपरेटर फिर से आए, लेकिन अभी इतना जल्दी आएंगे ऐसा एक्सपेक्टेशन मैं यहाँ से कम लगा पा रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक थोड़ा सा अभी वेट करेगा। हो सकता है 1 से 2 महीने बाद या फिर 1 महीने बाद इसमें ऑपरेटर आए, फिर से इसमें फिर बाइंग की रैली दिखने को मिल सकती है। बट अकॉर्डिंग टू मी इतना जल्दी अभी ये स्टॉक ऊपर जाने लगेगा ऐसे एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की स्टॉक है, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आप देख रहे हैं वो नुकसान वाला है पिछले क्वार्टर की तुलना में। तो यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है कंपनी की वो थोड़ा सा भी खराब चल रही है, इसलिए अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा कम कैपिटल के साथ आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी एनालिसिस ज़रूर करिए। बात करें अभी के टाइम तक कितना यहाँ पे वॉल्यूम आया है, तो 2,95,00,000 का वॉल्यूम अभी देखने को मिल रहा है और डिलीवरी अगर हम देखें तो 2,35,00,000 की डिलीवरी अब तक उठाई गई है, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 80%। और एक पॉइंट आपने जरूर यहाँ पे नोटिस किया होगा कि ASM लिस्ट के स्टेज वन में ये स्टॉक है, तो यहाँ से निकलने का आपको वेट करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के पहले। ये अगर इस स्टेज से स्टॉक निकलता है ASM लिस्ट से तो यहाँ पे आपको अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। बाकी ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक है, जब ऑपरेटर चाहेंगे तब स्टॉक को ऊपर लेके जा सकते हैं। तो आई होप ये एनालिसिस आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपनी एनालिसिस जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।